आइए समझें रोग कैसे उत्पन्न होते हैं और पंचकर्म क्या है। हमारे शरीर में एक पाचक अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं, जो खाए हुए अन्न को पचाती है। ठीक उसी तरह जैसे चूल्हे की अग्नि बर्तन में चढ़ाए हुए भोजन को पकाती है, ये अग्नि पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिवर के बाइल जूस और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इत्यादि के रूप में होती है। अन्न के अच्छे से पक जाने पर वह शरीर की 7 धातुओं या टिश्यूज का पोषण करता है। वह क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का निर्माण करता है। जैसे चूल्हे की अग्नि मंद होने पर खाना ठीक से नहीं पकता और कुछ समय बाद पड़े पड़े सड़ने लगता है, फर्मेंट होता है और उसमें फर्मेंटेशन के द्वारा एसिड और गैस उत्पन्न होते हैं, उसमें बदबू आने लगती है। ठीक उसी प्रकार पाचक अग्नि के मंद होने पर खाया हुआ भोजन भी अंदर पड़े पड़े सड़ने लगता है। शरीर का पोषण करने के बदले वह एक विषैले पदार्थ में परिवर्तित होता है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में आम कहते हैं। यह आम या टॉक्सिन पूरे शरीर में फैलकर अन्य अन्य अंगों में जम जाता है और उन उन ऑर्गन्स के रोग उत्पन्न करता है। आइए देखें यह कैसा दिखता है। यह है कोलोनोस्कोपिक दृश्य हमारी बड़ी आंत का। एक स्वस्थ व्यक्ति की नॉर्मल आंत कुछ इस प्रकार दिखती है। यह चित्र है एक महिला का जो चर्म रोग, सिर दर्द और लंबे समय से थकान अनुभव कर रही थी। यह चिपचिपा पदार्थ जो आंतों में दिखाई दे रहा है वही विषैला आम है जो रोग की जड़ है। यह चित्र है एक व्यक्ति का जो मोटापे, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं। आप यहाँ कीड़े देख रहे हैं क्योंकि कीड़े वहीं होते हैं जहाँ कूड़ा कचरा होता है। यह आम सभी प्रकार के कीटाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया और कृमियों का उपजाऊ आहार है। एक और दृश्य अस्थमा के रोगी का, और यह व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से पीड़ित हैं। अब अंत में दृश्य घातक कैंसर रोग का। इस महिला को स्तन का कैंसर था और उन्हें पुरानी कब्ज की तकलीफ थी। अक्सर हम पेट की तकलीफ को नजरअंदाज कर देते हैं जो बीमारी की असली जड़ है। आयुर्वेद में कहते हैं रोगाः सर्वेपि मन्दाग्नौ, अर्थात मंदाग्नि में सब रोग उत्पन्न होते हैं। तो आखिर जठराग्नि मंद क्यों पड़ती है? जठराग्नि मंद होने के 3 मुख्य कारण हैं: गलत आहार, गलत विहार और गलत मनोव्यापार। आइए तालाब के उदाहरण से समझें रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है। यह एक तालाब है जिसमें गंदा पानी भरा है। हमें इसे साफ करना हो तो पहले हमें यह जानना होगा कि गंदा पानी किन किन मार्गों से अंदर आ रहा है और उन्हें बंद करना होगा। फिर सूर्य का ताप उस पानी को सुखा देगा। अंत में बचे हुए कीचड़ में हम कुछ सूखी रेत डालकर एक साफ सुथरी सतह प्राप्त कर सकते हैं। बीमार शरीर उसी तालाब की तरह है जिसमें गंदगी इकट्ठी हुई है। इस दोष से छुटकारा पाने के लिए उन 3 कारणों को बंद करना होगा जो रोग को उत्पन्न करते हैं। ये हैं गलत आहार, गलत विहार और गलत मनोव्यापार। गलत आहार मतलब गलत खान पान, गलत विहार अर्थात गलत लाइफस्टाइल और गलत मनोव्यापार अर्थात मानसिक अशांति। इन 3 को अगर हम ठीक कर देते हैं तो हमारे शरीर की प्राकृतिक शक्ति संतुलन लाने की क्रिया प्रारंभ कर देती है। इस प्रक्रिया में हम रेत रूपी दवा की सहायता ले सकते हैं।
यह लोगों की एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि आयुर्वेदिक दवा जब तक लेते हैं तब तक ही परहेज करना पड़ता है। आयुर्वेद की दवा लें या न लें, अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आहार विहार और विचार में सुधार तो अनिवार्य है। अगर आप दवा तो लेते हैं परंतु आहार विहार और मनोव्यापार में सही बदलाव नहीं लाते हैं तो यह ऐसा ही होगा जैसे प्रवेश मार्गों को बंद किए बिना आप रेत डाल डाल कर तालाब को सुखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर गंदा पानी बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हुआ है और सूर्य भी मंद बढ़ गया है तो केवल भीतर आने वाले मार्गों को बंद करना और रेत डालना पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे में हमें इस गंदगी को किसी मार्ग से बाहर निकाल कर फेंकना पड़ेगा। उसी प्रकार जब रोग अधिक प्रबल हो या रोग लंबे समय से हो तो उस दोष को शरीर से बाहर निकाल कर फेंकना पड़ता है। आयुर्वेद की इस डीटॉक्स प्रक्रिया को पंचकर्म कहते हैं। तालाब को इस प्रकार साफ करने के बाद क्या आप फिर भीतर आने वाले मार्गों को खोल देंगे? नहीं नहीं, ये तो बड़ी मूर्खता होगी। उसी प्रकार पंचकर्म करने के बाद भी स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना अनिवार्य है अगर आप स्वस्थ बने रहना चाहते हैं। धन्यवाद।